हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज है नवमी, तो आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 6 और हम लोग आ गए मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि पंडित जी बस आने ही वाले हैं। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, ये मैंने अपने जागरण में पहनी थी सुबह के टाइम में, तो बस फटाफट से ये वाली साड़ी पहन ली और पीछे बना लिया जूड़ा, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं हवन की भी और पूजा की भी। अभी मैचिंग निकाल के दिया मैंने उनको कुर्ता, ये हम लोगों ने अपने जागरण में पहना था। और बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ देखो ये हो चुकी हैं, फूल माला, दही, गजल सामग्री, पान के पत्ते, बीड़ा, ये सारी तैयारियाँ हो गई हैं। ये देखो हमारी जौ कितनी चुपकी आई है। और बस अभी हमें करनी है अपनी पूजा, उसके बाद फिर पंडित जी करेंगे हवन। तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है, इसी से प्राणी मात्रा कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार से हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उल्लास होना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है, महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों पापों को मेरा महा। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी पूजा कर ली थी, अब आ गए हैं पंडित जी और पंडित जी करेंगे पूजा, उसके बाद हवन होगा और बाद में फिर करेंगे हम कन्या पूजन। तो हर बार नवरात्रों में हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। घी है देखना, हाँ सामग्री मेरे पास देता है। हाँ घी है, भी पकड़ा के परेशान से देता हूँ। सामने गोला कहाँ है और पहनने के लिए घी है, गोला भी है, चक्कू है, चक्कू भी लेके आऊँ, चक्कू नीचे से लेके आती हूँ, ना ना फिर बड़ा हो। ये जयपत्री अलग है ना, ये जयपत्री
जायफल तो गर्म मसाले में डलती है। जायफल भी तो हाँ जायफल भी अच्छा ऐसे ही पड़ा रहा है पेड़ों के नीचे। अब दरख्त है इसका अच्छा उसका पेड़ बड़ा वो खाने में बड़ा अच्छा होता है। और ये इसका दालचीनी का लोग लगे रहे हैं नहीं जो आप बेड़ा कह रहे हो ना खाने में अच्छा होता है। हाँ खाते थे कच्चा पर अगर ज्यादा खा लोगे ना ना तो खराब कर देता है। हाँ तो फिर खराब हो जाएगी। जितने भी आदमी थे ना जिन्हें पता था पलटी बनानी होगी उसे नहीं तो ऐसे जैसे पान का नशा हो ना ऐसे लौटता रहेगा। अच्छा हाँ ये हमारे यहाँ पे पेड़ है ना उसका वो बहुत दूर है गाँव में तो हमें पता है कि उसे खा के पछताए ना। बच्चे थे पेड़ में चढ़ के खाते रहे खाते रहे खाते रहे तो किसी ने बताया तो कभी मत खाओ इतना खाते रहते रहे। सूर्यदीप्ता चंद्रमा दीप्ता मरुदीप्ता आदित्यदीप्ता वसुदीप्ता भवत्रदीप्ता सर्वे दीप्ता ही नमः। ॐ नहरं श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ॐ श्रीमन् महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणभ्यां नमः। वाणीहिण्यगर्भ्यां नमः। सच्चिप्राणभ्यां नमः। इष्टदीप्ताय नमः। कुलदीप्ताय नमः। ग्रामदीप्ताय नमः। स्थानदीप्ताय नमः। मातरचरणभ्यां सुंदरम लेपनम समर्पयामि। पक्षपहस्ता सुविशिष्टा कुंकुमाता सुता भक्त्यादितामयादि अक्षरम समर्पयामि। प्रतिदीप्तम जानवाह नैवेद्यम समर्पयामि। नाभ्याश्रम परिक्षवं शिष्णोरुषं मुखाः पदनाम मुमुदस्ताः कासनुताम लोकाम अकल्पयम् आहारम भक्षपूज्यम नैवेद्यम समर्पयामि। धरतीमाते च चुके हाथ श्रद्धापूर्वकं नमस्कारं करोमि। गौरी गणेश भगवान को पूजा करें ठीक है। ओम सर्वन् महागणाधिपते नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं दचारुभक्षणं उमासुतं दोषविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगले सिद्धि सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमस्ते। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ स्वस्तिरिन्द्रो वृषभाः स्वस्तिरपूकाः विश्वमित्रा स्वस्तिरदस्तारिष्टदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आद्यलक्ष्मी नमः। विद्यालक्ष्मी नमः। योगलक्ष्मी नमः। सत्यलक्ष्मी नमः। दृष्टिं ईश्वरं सर्वतानां तामिहोपवेशिरं सुन्दरं लेपनं समर्पयामि। पाञ्चजन्यवनं सिद्धये पाञ्चनाम अक्षतास्ताश्रीश्रेष्ठा कुङ्कुमात्ताश्रिता भक्त्यादि अक्षतं समर्पयामि। बीच में चावल अक्षतास्ताश्रीश्रेष्ठा कुङ्कुमात्ताश्रिता भक्त्यानितामयादि अक्षतं समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। नाप्राशदन्तरिक्षवंशिष्णोदुषम्मटाः पदभ्यां भूमिदृष्टाः तासुताम लोकाम अकल्पयम् आहरं भक्षभोज्जन्ताः नैवेद्यं समर्पयामि। मङ्गलं नाप्राशदन्तरिक्षवं क्षीरं पाञ्च टुकडे करिष्ये। ॐ इदं फलं मयादिवाः पुरस्ताः अखंडतफलं समर्पयामि। हुं नहरं एक इस दिशा में दोंगरी से छो दोंगरी इस दिशा में हुं नहरं तफलं हो गए इस दिशा में दोंगरी से हाँ तीन उंगली से इस दिशा में हुं नहरं तफलं शिव सायंकर दिनगंभीर दुर्गा चार उंगली हाँ फिर चालीस से दिशा में पाँचों से बीच में दूर से छोड़ दे हट मन जरा दूर से छोड़ दे। ओम न हरि तदा हाँ पोंगी फलम महादित्यम धीमे डुब आगे छो पोंगी फलम महादित्यम नागावल इंद्र उत्तम हाँ एराज चुन से तम तामदम प्रतिदित्या मां सफल का धीमे डुब आगे छो हिण्य गर्भ गर्भ स्थान हिम भी रम भी बावशु अनंत पुण्य फल दामता शांति ऐसे जैसे कीड़ा छोड़ा ऐसे चालीस दिशा में पूछ सकते।
ओम नमः हरिदवाः सागुणाः नायकाः दर्वदक्षतां समर्पयामि ओम नमः हरिदवाः हिम्न गर्भ गर्भस्थं एव बीजं दिवावशु अनंत पुण्याप्रदावता शांति प्रियचेबे आसु धीरेबे बागलोक सामग्री चलो ठीक है शुरू करो पंडित जी एक साइकिल ले रहे हैं क्या ले रहे हैं साइकिल साइकिल ले रहे हैं फिर पूजा कर अंकल जी बड़ी याद है उसकी सही बात कही ना उस बात में तो पंडित जी हम कभी भी हंसने लगते हैं कभी भी जब आपको दे नहीं आपने बात तो सही कही थी वैसे कभी ये बात याद आती है अच्छा का सही नहीं कही जब आप जा रहे हैं ना साइकिल से मैं बहुत देर तक अकेले यहां मैं भी तो एक बड्डे में गया था ना बात बताऊँ तो वो छोटा बड्डा था उसका बच्चा था ना जब उसको आशीर्वाद दिया था मैंने कहा बेटा क्या मांगा तूने तो बोले एक भैया इतना सा छोटा बच्चा मैंने कहा क्यों तो बोला खेलने के लिए नहीं मेरे साथ तो मेरे को बड़े हुआ है कि इतना छोटे बच्चे की सोच कहाँ जा रही है आसू की छोट सा आप इस वाले जन्म टप्पा दे ठीक है एक एक बूंद इसमें टपका दिया है ना ओम नमः हरिगम सर्वन महागणाधिपते नमः ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति इदं गणम उसमें टपका पहले यहाँ से जाने के बाद अच्छा हाँ ठीक है ठीक ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमम ओम अग्नि स्वाहा इदं अग्नि इदं नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमम ओम भुव स्वाहा इदं अग्नि इदं नमम ओम भू स्वाहा इदं वायु इदं नमम ओम सह स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमम ओम अग्नि पंचवृक्षमय इसका दो बार चरण जबकि कुंडलाय नमः पंचामृतं समर्पयामि सर्वं ये पूर्ण गण स्वाहा ले की से किधर ले किधर आई बोले किधर किधर हम न सोलो को बेच करना सीन कर रहे ऊपर ले जा सह सरदारन भी विस्तार से तो बना कर सकते हैं चले शुभार नाम शहर स्वाहा बस बस जा लो क्या चटनी के लगा सुबह कैसे लगा हम न सोलो को बेच करना सीन कर रहे सह सरदारन भी विस्तार से तो बना कर Hey.
बोलो आप जय माता दी। चलो तुम बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। आप बहुत जोर से बोलेंगे, जय माता दी, जय माता दी। चलो अपना अपना फिनिश करो, सबको पूरा फिनिश करना। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है अनुष्का, कॉलोनी में हम साथ साथ खेलते हैं सुबह शाम पार्क में। नहीं, और सबसे पुरानी वो है हमारी, हाँ हमारी सबसे प्रिय कन्या। हेलो हेलो करो, हेलो हेलो, वेरी गुड। पानी पहले पूरी खाओ, सिद्धि नहीं रिद्धि। हाँ अभी उसके बाद बोलेंगे ना, पहले बोलते रहो। जय माता के, जय माता के। जाओ पूरी की प्लेट ले जाओ पापा नीचे, मम्मी मंगा रही हैं। क्या हुआ तुम? अरे मैंने सबको भी तक काम किया, पैर दो अपने, यही वो लड़की वो ही थी। हाँ 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 हाँ। अरे सही बिठा दे यार, ये तो बैठ गया। दे देंगे उसे, दे देंगे प्रसाद। तो दे बब्बी बोलते थे। ये क्या है? इस लड़की से शुरुआत करना भाई, और इसको ये वाला कलर दो। एक तो मुझे धुंधला कर दिया एक आंख से, एक आई साइट ही ना गई। सबको ये और एक केला है ना, ये लो और ये बैंड कौन सा बैंड दे दो अपनी माँ, ऐसा मत दो। हाँ छोटी छोटी हाँ
ना ना यही है ये सब पहले है टीना जल्दी कर दे यार बच्चे रोने लग गए ले इसमें डाल ले तू अपना ये भी और ये ठीक है ये लो करी ये लो रिद्धि 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 हलवा फिनिश करना है ना ये लो अरे ये लो चोरे चोरे मंगल वीर को भी मिलेगा क्या ये वीर को ले लिए यार बच्चों आइसक्रीम वाले बच्चे ये कहाँ रह गए मामराते पूरी करते हलवा पाटी ये लो हाथ नहीं बस 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 हाथ नहीं गाइज ये वीडियो मेरी काफी पुरानी है लगभग 1 मंथ हो चुका है बट मैं आप लोगों के साथ शेयर आज कर रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, फिर सोचा कि नहीं कर देती हूँ क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाई और वीडियो बनाने में आप लोगों को पता है कि कितनी मेहनत लगती है। उसके बाद इसको एडिट भी किया, सब कुछ हो चुका था, बस मुझे अपलोड करना था इसको। और जिस दिन मुझे अपलोड करना था उसी दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। वो कहीं जा रहे थे रास्ते में तो बाइक से जो नील गायें होती है ना उससे उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको काफ़ी चोट आई है। हालांकि उनको खुली चोट नहीं है, उनको सारी जो है वो गुम चोट है और उनके सर में अंदर चोट लगी है गुम चोट। इसी वजह से मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाई, कोई वीडियो कुछ भी कोई रील वगैरह। और 21 को उनको चोट लगी, उसके बाद 26 तक 6 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, 4 दिन वो ICU में थे, उसके बाद फिर 2 दिन उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया। 26 को उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद मैं भी उनके साथ घर चली गई थी और मैं भी 2-4 दिन पहले ही यहाँ आई हूँ अपने ससुराल। तो बस सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर देती हूँ और आप लोगों को बता भी देती हूँ कि इतने दिन से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, कोई भी कुछ भी अपडेट नहीं कर पा रही थी मैं। और बनी हुई वीडियो है, एक ये वीडियो है नौमी वाले दिन की और एक और वीडियो है, तो सोचा कि पहले पुरानी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसके बाद फिर से न्यू वीडियो बनाती हूँ। हालाँकि मैं वहाँ रही 26 से और 13 तक रही मैं 13th मई तक, लेकिन बस मन नहीं हुआ क्योंकि पापा की तबीयत की वजह से। लेकिन पापा अभी बिल्कुल ठीक हैं, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जब तक डॉक्टर कहेंगे तब तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा ही। लेकिन अब पहले से काफ़ी उनको आराम है, अभी पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी काफ़ी है उनको फ़ायदा। अब बाकी उनका हर बार जब जाते हैं तो सिटी स्कैन होता है, उसी से पता चलता है कि कितना इम्प्रूवमेंट है उनमें।
तो बस अभी मेडिसिन चल रही है और आप लोग दुआ कीजिए कि पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं एंडिंग करती हूँ और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये एंडिंग वाली वीडियो शेयर की कि मैं आप लोगों को अपडेट भी दे दूँगी कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी और साथ में मैं वीडियो की एंडिंग भी कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ में। अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आए तो प्लीज़ उसको ढेर सारा प्यार दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ में।